अजमेर दरगाह कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाहिद हुसैन रिजवी और सदस्य बाबर चिश्ती के साथ ही अन्य पदाधिकारियों ने आज कलेक्टर इंचदीप और एसपी चुनाराम से मुलाकात की। इस दौरान आगामी मिनी उर्फ मुहर्रम को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई और इस मिनी उसके दौरान देशभर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से किस तरह अमन चैन और शांति का पैगाम दिया जा सके, इस पर विचार विमर्श भी किया गया। इस मौके पर रिजवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ पागल लोगों की वजह से अजमेर दरगाह को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, यहां से शांति और सद्भावना का पैगाम देश और दुनिया में जाता है। ऐसे में इसे बनाए रखने के लिए सभी को एक जाजम पर आने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी द्वारा भड़काऊ भाषण और नारों को लेकर जिस तरह से निंदा किया जाना चाहिए वह की गई और शनिवार को हुई दरगाह कमेटी की बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आगे से अजमेर दरगाह से जुड़े खादिम और अन्य लोग दरगाह परिसर का गलत और अवांछित गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा किया जाएगा तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण और गलत बयानबाजी की है उन्हें भी चेतावनी दी गई, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से अमल में लाई गई है। ऐसे में अब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से एक बार फिर शांति और सद्भाव का पैगाम दिया ना जाना चाहिए, जिससे कि देश और दुनिया में अजमेर से अच्छा मैसेज जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में मिनी पूर्व मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है और इसकी तैयारियों को लेकर दरगाह कमेटी अंजुमन कमेटी के साथ ही जिला प्रशासन जुट गया है और इसे लेकर ही आज तस्वीर एसपी और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिससे कि इस मेले को शांतिपूर्ण आपसी सद्भाव व भाईचारे के साथ सम्पन्न किया जा सके। अभी उर्स होने वाला है, उस उर्स के ताल्लुक से हम लोगों ने क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, पॉसिबल इश्यूज पे चर्चा करी और किस तरह से उनका निवारण हो, इस बात पे एक्सटेंसिवली हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की। जिस तरीके से बयानबाजियाँ हो, कहीं ना कहीं दरगाह कमेटी एक जिम्मेदारान पद पे हो, केंद्र सरकार में दरगाह कमेटी के द्वारा दिया गया था या सिर्फ एडवाइजरी जारी की गई थी? दरगाह कमेटी ने अपना जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है दरगाह कमेटी ने करी है और उसके ऊपर एक्शन भी लिया है। क्या कोई आदमी जो अपने आप को चिश्ती कहे और जो दिखाई भी दे रहा हो कि वो मजरूह है, वो अपनी मेंटल स्थिति में भी नहीं है, वो कोई अगर बयानबाजी देता है तो वो उसका उस तरह ही लेना चाहिए कि एक पागल आदमी जैसे बोलता है उसको एक नॉर्मल आदमी की तरह लेना, मेरे ख्याल से वो भी एक हम उसके साथ भी ज्यादती करते हैं और वो समाज के साथ भी ज्यादती करते हैं जो इसके साथ चिपका दिया जाता है। एक ही परिवार के चार चार पागल आदमी और वो इतने बड़े पद पे, एक इतने बड़े पद पे हैं वो, जिस पद से एक शांति का संदेश और कौमी एकता का संदेश जाना चाहिए, वो इस तरीके के भड़काऊ बयानबाजी का प्रयोग करते हैं। क्या चार लोगों को किनारे नहीं लगा सकता? क्या वो समाज, आपने क्या अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष से इसको लेके बात की है कि उनको खादिम के पद से हटाया जाए? आप देखोगे कि मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज का कोई तबका नहीं है जिसने उनके बयानात को कंडम ना किया हो। जो भी भारत के संविधान के खिलाफ एक लफ्ज बोला है, पूरी हिंदुस्तान के कोने कोने से मेरे ख्याल से हर तबके ने उसको कंडम किया, मुस्लिम समाज ने इन पर्टिकुलर। तो देयरफॉर ये कहना कि समाज ने कंडम नहीं किया वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, और इसका निंदा बड़ी बड़ी सख्त अल्फाज में करी गई है। निंदा आपको लगता है कि इस और इसके बाद से ये भी कहा गया कि आगे से कोई इस तरह का बयानबाजी कोई नहीं करेगा। कार्रवाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से, केवल निंदा? नहीं नहीं, कार्रवाई हो रही है। लॉ ऑफ द लैंड इज टेकिंग इट्स कोर्स एंड वी आर विद देम। हमने कहा है कि हिंदुस्तान के जो संविधान है, जो कानून है, वो अपना काम करेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग अथॉरिटी का काम होता है और उस पर वो ले रहे हैं, हम उनके साथ हैं। दरगाह कमेटी की ओर से कोई इस तरह का डिसीजन कि खादिम पद से हटाया जा सके, हमने उनको उसी समय पहली जिस दिन ये दुर्घटना हुई है उसी दिन कंडम किया है मीडिया के सामने भी, और उनको पत्र भी लिखा कि आप ये अपने अल्फाज आगे से दिखाई नहीं। क्या एसपी से,
क्या एसपी से और कलेक्ट्रेट से सर्वर चिश्ती को लेकर बात हुई है, क्योंकि सर्वर चिश्ती पे अभी तक किसी प्रकार की वार्निंग दी गई है? केवल हमने एसेंशियली आज जो बात करी है, अब कोर्ट होने वाला है, हमारी जो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन कोर्ट किस तरह संपन्न हो, अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में हो जाए, इसके ऊपर एसेंशियली बात हुई है। कल आपकी बैठक भी हुई थी, उसमें इस तरह का कोई निर्णय लिया गया, सर्वर चिश्ती भी वहाँ थे, उनको कुछ कहा गया? पॉइंट लिया गया कि आइंदा से कोई इस तरह की बयानबाजी ना हो, सब ने सब संपत्ति अब भी होती है, सर संपत्ति से आदमी अपनी बात कह ही सकता है, किसी को समझा ही सकता है। अब अगर सब ने ये वचन दिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इंशाल्लाह आगे से कुछ ऐसा अगर फिर भी हो जाता है, जून में भी एक रिजोल्यूशन है, दरगाह कमेटी फिर एक रिजोल्यूशन पास करेगी। दरगाह कमेटी ने सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनको बुला के बात करी है, ये बड़ी एक्सटेंसिव थी, बहुत डिटेल में बात हुई है, और सब ने ये एग्री करा है कि अब किसी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, और इसका वचन दिया है लेगेसी। और जो अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हिंदुस्तान का कानून तो बहुत विस्तार से इसके ऊपर एक्शन लेता है, और हम उसके साथ हैं। अब जो वापस शांति कायम हो, एक बार फिर मैसेज जाए, उसको लेकर क्या करेगी दरगाह कमेटी? इस बात तो इंशाल्लाह अब हम उर्स कर रहे हैं, उसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से उर्स होगा, यही एक शांति का पैगाम है, यही हम यहाँ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बता रहे, दरगाह हमेशा से एपी सेंटर रहा है सौहार्द का, प्यार का, गंगा जमुनी तहजीब का, उसके हम अलम बरदार हैं, और इंशाल्लाह अपना काम करते रहेंगे।